और यहाँ पर कार्ड बनता है, नाम दिया जाता है। मैंने बहुत बार अपने कभी पैर में या बच्चों के हाउ आर यू, आई एम नॉट गुड, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है और अभी 20 दिन से मेरे गले में भी बहुत तकलीफ है, नस कोई दब गई है, बस उसी वजह से मेरे तबीयत ठीक नहीं है और बुखार फीवर वगैरह तो बहुत हो रहा है, तो उसकी दवाई अलग चल रही है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक जो नहीं जानते हैं उन तक ये वीडियो जाए और हेल्थ से रिलेटेड है ये वीडियो। तो आज मैं वही वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा बातें मैं यहाँ नहीं करूँगी, अपन चलते हैं और मैं वहीं पर आपको दिखाती भी हूँ और बताऊँगी भी कि मैं कहाँ पर हूँ और कौन सी वीडियो के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। सावन लाल ऑस्टियोपैथी, जो कि बॉडी में जितनी भी नसें होती हैं उसका इलाज यहाँ पर होता है, जो ब्लॉक हो जाती है, खून का दौरान जिसका बंद हो जाता है, पैर में मोच, मतलब बॉडी में जितनी भी परेशानी है उन सब का बिना चीरा फाड़े ऑपरेशन किए बिना दवाइयों के यहाँ पर इलाज होता है। बहुत सालों से ये हॉस्पिटल चल रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ का ब्लॉग बना रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो भी परेशान है, जिनको ये चीज़ें तकलीफ़ है, वो लोग यहाँ पर आकर अपनी परेशानी दूर करें। एंड यहाँ पर कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ से लोग नहीं आते हैं, मतलब जोधपुर है लेकिन यहाँ पर हर जगह से लोग आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। तो मैं अंदर चल कर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर उतारते हैं, सामने है काउंटर और यहाँ पर कार्ड बनता है, नाम दिया जाता है नंबर के साथ, पेशेंट के नंबर भी होते हैं नंबर के साथ। यहाँ पर होल जहाँ पर पेशेंट वेट करते हैं और यहाँ पर घड़ी चल रही है पेशेंट नंबर से, तो 77 अभी पेशेंट है अंदर, वो चल रही है, उसके बाद में मेरा नंबर शायद आ चुका है तभी मैं जाऊँगी। गया है मेरा, चल और यहाँ पर लगे हैं 8 बेड लगे हैं यहाँ पर और अलग अलग बेड पे थेरेपी चल रही है, जिसको भी जो भी तकलीफ है उस तरीके से। एंड यहाँ पर है ऑफिस, लेकिन इस ऑफिस के अंदर जो जादूगर है इस हॉस्पिटल के वो नहीं बैठते हैं और वो पहले हाँ, वो जादूगर जिनके हाथों में ऊपर वाले ने इतनी शिफा और इतनी कला दी थी, जिससे वो लोगों का नसों का मतलब हाथ से देखकर वो इस चीज़ को जान लेते थे कि कहाँ पर दर्द है। तो ये इन्हीं का ऑफिस है, लेकिन कभी वो इस ऑफिस में नहीं बैठे, इस कुर्सी पे, राजा वाली कुर्सी पे नहीं बैठे, वो स्टाफ के साथ ही बैठते थे हमेशा यहाँ पर चेयर लगाकर। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, महीने पहले ही ये एक्सपायर हो गए और इनसे भी मैंने बहुत बार अपने कभी पैर में या बच्चों के कभी हो जाता था तो मैं आती थी और इनसे मैंने बहुत बार अपना करवाया है और ये बाहर कंट्री में भी जाते थे, लोग बुलाते थे, सेलिब्रिटी भी इनको बहुत बुलाते थे। मैं इनके सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगी अभी। यहाँ पैरों की थेरेपी चल रही है, हैंड की थेरेपी, ये देखें आप। तो स्टाफ इनके पास हर बेड पे अलग अलग स्टाफ है और अलग अलग थेरेपी चल रही है, ये देखें आप। यहाँ पर भी थेरेपी चल रही है, कमर की रीढ़ की हड्डी की, और यहाँ पर भी थेरेपी चल रही है, इधर भी थेरेपी चल रही है। तो 8 बेड हैं, 8 बेड पे अलग अलग ये हैं डॉक्टर्स और अपना अपना काम कर रहे हैं। कार्ड है जो कि काउंटर पर बनता है, लाइन लगी रहती है, 8 पेशेंट को बुलाते हैं एक बार में, क्योंकि 8 बेड लगे हैं तो 8 पेशेंट एक बार में आते हैं। मैं आ गई हूँ बेड पे और मेरी भी नस में यहाँ पर तकलीफ़ है 20-25 दिन से, तो फाइनली भी मैं भी आई हूँ। यहाँ पर 1 साल के बच्चे से लेके और 90 साल तक, 100 साल तक जितने भी लोग होते हैं, बुज़ुर्ग भी, सबका इलाज किया जाता है बिना किसी दवाइयों के, बिना ऑपरेशन के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये थेरेपी देते हैं, और मशीनें भी हैं अंडरग्राउंड में, वो भी दिखाऊंगी आपको। फिजियोथेरेपी होती है वहाँ पर भी, तो वो चीज़ मैं भी दिखाऊंगी, पहले मैं अपना थोड़ा नस का करवा लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। गर्दन झुकाने का काम कम कराओ,
दिया है सारे एक्सरसाइज का, जितनी भी एक्सरसाइज होती है, हाथ की, पैर की, गले की, कमर की, जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो सब है। एंड मैं इसका फ़ोटो भी आपके वीडियो में डाल दूंगी और ये देख सकते हैं आप हैं। और इनका स्टाफ भी है, बहुत बड़ा स्टाफ है। और कितने साल से है आपका हॉस्पिटल जोधपुर में? तो सरदारपुरा से चल रहा है हमारा, पहले सरदारपुरा से डी रोड पे था। और उनने यहाँ पे अपने 2018 में आए थे हम जोधपुर, 2018 में। हाँ जी, 18 में यहाँ पे शुरू हुआ था। हाँ। जिसका कंटिन्यू चल ही रहा है, यहाँ फिजियो, ऑस्टियो, पंचकर्मा तीनों चलता है। तीनों चलते हैं। हाँ, सुबह 9 से 1 और शाम को 3 से 5। स्टाफ कितना है आपके पास? स्टाफ अलग अलग ब्रांच में अलग अलग है। अभी कितनी ब्रांच चल रही है? तीनों चल रही हैं अभी इस टाइम पे। और जो इस हॉस्पिटल के जादूगर थे सबसे माहिर, वो अभी 4 महीने पहले एक्सपायर हो गए। हाँ, तो उन्हीं के हाथ में थी ये कला। और आप पूरे स्टाफ को, उन्होंने सबको कोर्स किया हुआ है और सबको सिखाया है किस तरीके से। तो आप हाथ, मतलब कोई भी नस, कहीं की भी नस हो, आप पकड़ के बता सकते हैं कि ये किस तरीके से ब्लॉक है। रिपोर्ट भी देखते हैं आप, तो बिना किसी ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के, आपके हाथों में वो कली है, कला है कि आप। और कहाँ कहाँ से आपके हॉस्पिटल में आते हैं लोग? ऑल इंडिया से आते हैं ना, तो कोई भी ऐसी देश नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते, सब जगह से लोग आते हैं आपके पास। तो वो तो मैं तो जानती हूँ, लेकिन जिन जो नहीं जानते हैं, मैं पर्सनली उनके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिले और आए यहाँ पर। सर्वाइकल, लंबर, बोथनी, और ये स्पॉन्डिलाइटिस का सबका ट्रीटमेंट होता है, सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है ना यहाँ पर। हाँ, तो 1 साल के बच्चे से लेके और 100 साल तक भी अगर आए तो आप उनका सबका होता है यहाँ पर। ठीक है सर, मैंने आपसे बात करवाई है, जानकारी दी है। एंड मैं आपको यहाँ के जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जो यहाँ के बड़े डॉक्टर थे जो करते थे ये काम, तो उनके सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाती हूँ। उनके सर्टिफिकेट सारे, और जितने स्टाफ से उनके भी हैं, ये देखें आप। और ये है वो सर जो 4 महीने पहले एक्सपायर हो गए। यहाँ पर से जाते हैं अंडरग्राउंड में, ऊपर मैंने दिखा दिया आपको हॉस्पिटल, और अंडरग्राउंड में चलते हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर लगी हैं। किट्स भी है यहाँ पर, मैं लिफ्ट से नहीं आई हूँ, मैं ऐसी आ गई सीढ़ियों से। और पेशेंट के लिए है, क्योंकि पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकते तो लिफ्ट में आ जा सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत बड़ा हॉल है, और यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर थेरेपी चलती है, फिजियोथेरेपी, जो कि सारी मशीनें हैं यहाँ पर, बेड वगैरह भी लगे हैं। फिजियोथेरेपी चलती है यहाँ पर भी, डॉक्टर्स ही रहते हैं जो थेरेपी कराते हैं नीचे भी। और फीस यहाँ पर पहले 50 रुपये थी, अब 100 रुपये है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लाखों रुपये हम हॉस्पिटल्स में खर्च कर देते हैं और अपना नुकसान भी करवा लेते हैं बॉडी का, तो यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है आप अगर आएंगे तो। लाल जी जिन्होंने ये हॉस्पिटल चालू किया था, सारे अवार्ड्स डॉक्टर के, ये देखो कितने सारे अवार्ड्स हैं। तो यूँ बाहर अपना ट्रीटमेंट कराकर, और 2 शिफ्ट चलती है यहाँ पर, 1 बजे से 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो आप लोग दोनों शिफ्ट में से भी जो भी शिफ्ट आपको ऐसा लगता है, कि सुबह के या शाम के टाइम पे, तो आप आएँ और आकर यहाँ पर अपना जो भी है बॉडी की जो भी परेशानी है वो दूर करें। बस मेरा रीज़न यही था ये वीडियो बनाने का, मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई।
और अब मैं जा रही हूँ घर। तो ऑस्टियोपैथिक हॉस्पिटल में गई थी और मैं घर आ गई हूँ, और रीज़न मेरा यही रहता है कि मैं जो भी जहाँ भी मैं जाती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये वीडियो आपके पास पहुँचनी चाहिए और आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। ये आपने देखा ही होगा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज क्या, मुझे तो 20-25 दिन हो गए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे गले में भी बहुत तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जो तकलीफ़ में है, जो परेशान है, नहीं तो वो ये होता है कि हॉस्पिटल्स में जाते हैं और डॉक्टर्स का तो काम यही है कि वो कुछ भी होता है तो ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है बिकॉज़ यहाँ पर नस का ही सारा काम है, पूरा खेल है, इनके हाथ में वो कला है, वो जादू है जिससे कि ये नस को पकड़ लेते हैं जहाँ भी दर्द होता है, तकलीफ़ होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर थेरेपी लेकर और यहाँ पर इलाज जो होता है उससे वो लोग चलने लग जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होती है, गले में होती है, हाथों में होती है, जो हाथ नहीं उठा पाते हैं, नस दब जाती है, तो वो डॉक्टर्स के पास तो उसका इलाज ऑपरेशन होता है और वहाँ पर बहुत सारी फीसें वगैरह भी लगती हैं। यहाँ पर इतनी फीस नहीं है, पहले 50 रुपये थी लेकिन अब 100 रुपये हो गई है, तो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है हमारे लिए बिकॉज हम हज़ारों रुपये डॉक्टर्स की फ़ीस में और इसमें भी खर्च कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरा रीज़न यही रहता है हमेशा से, जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, कि मैं वो चीज़ें सोचती हूँ कि नहीं ये चीज़ आप तो जो नहीं जानते उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचे जिससे उनको फ़ायदा हो। तो प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ कि आप इस वीडियोस को, जो भी मैं इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ, आप शेयर करें मेरी वीडियो, जो परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आप ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी तकलीफ़ में होती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती ज़रूर हूँ। आज मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई और मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे एहसान कर रही हूँ या किसी के उससे वीडियो बनाता है इंसान, नहीं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना इस तरीके की। जब मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद करना, हेल्प करना, मैं वैसे भी बिना वीडियो के भी मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है लोगों की। जब मुझे किसी कोई दिख जाता है कि नहीं ये परेशानी में है या कुछ भी है, तो गाड़ी पे चलते चलते भी मुझे अगर कोई दिख जाता है तो मैं उतर जाती हूँ फौरन और पहले मैं हेल्प करती हूँ। ये चीज़ें मैं कभी डालती नहीं हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ मेरी वीडियोज़ में। और मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, लेकिन ऐसी वीडियोज़ जो मुझे लगता है कि लोगों की मदद कर सकती है मेरे थ्रू, तो मैं वो वीडियो बनाती हूँ। और बस यही रहता है कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और जो भी चीज़ें थी मैंने बता दी हैं आपको, और मैं कल भी जाऊंगी तो मैं शॉर्ट पे अब डालूंगी बिकॉज मैंने वीडियो बना ली है, लेकिन मेरा 8 दिन का है प्रोसीजर, तो यहाँ से मेरी कोई नस है जो ब्लॉक हो गई है, तो उसी चीज़ के लिए 8 दिन मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे 8 दिन जाना है। आज दूसरा दिन था मेरा, कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी इसलिए, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ था तो मैंने सोचा कि नहीं आज मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे भले ही मुझे तकलीफ़ है या कुछ भी है, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मेरी वजह से, मेरे वीडियो की वजह से अगर कोई किसी को रिलीफ मिलता है या कोई इस चीज़ से जिससे तकलीफ़ में है उससे रिलीफ मिलता है, तो मैं ज़रूर ये काम करूँगी। और मुझे दुआएँ लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई तकलीफ़ में होता है तो उसके दिल से जब वो सुकून होता है, उसको अच्छा लगता है और रिलीफ होता है, तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं, तो बस ज़िंदगी भर दुआएं रहती हैं साथ में, तो बस यही रीज़न होता है मेरा और कोई नहीं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर वांट टू डू, रन डबल माता पिता एंड भारत माता, हंसी मुस्कुराइए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।